नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बताएंगे कि कितना व क्या क्या हुआ अब तक निर्माण कार्य पूर्ण, जानेंगे कि क्या मिली है परियोजना में बड़ी उपलब्धियाँ, बताएंगे कि कब तक होगा इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है और इसका निर्माण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और परियोजना में ट्रैक बिछाने और ट्रेनों को 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बीते दिनों उठाया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL ने सूरत में पहली ट्रैक स्लैब निर्माण फैक्ट्री स्थापित की, जिसकी उत्पादन क्षमता 120 स्लैब प्रतिदिन की है। यह स्लैब ट्रैकों को मजबूती से पकड़ने के लिए आवश्यक है ताकि ट्रेनें इतनी उच्च गति से चल सकें, तथा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अर्थात BKC और डहाड़ू के मध्य अगले वर्ष एक और फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जहां इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र में ट्रैक बिछाने हेतु स्लैब बनाए जाएंगे। रेलवे के सूत्रों के अनुसार दूसरी ट्रैक स्लैब फैक्ट्री के लिए फरवरी 2025 तक टेंडर जारी किए जाएंगे। बता दें कि बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और परियोजना की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना पर पूरा कार्य जापानी तकनीकी से किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का अब तक कितना कार्य हुआ पूर्ण। तो बता दें कि पियर फाउंडेशन 356 किलोमीटर, पियर वर्क 345 किलोमीटर, गार्डर कास्टिंग 273 किलोमीटर, वायाडक्ट निर्माण 233 किलोमीटर, शोर अवरोधक अर्थात नॉइज बैरियर्स 91 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तथा महाराष्ट्र के BKC से ठाणे तक 21 किलोमीटर के सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ट्रैक बेस के पश्चात अब परियोजना के स्टेशनों की बात करें तो आपको हम बता दें कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र में कुल 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिनमें से 8 स्टेशन गुजरात में स्थित हैं। गुजरात के साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बीलीमोरा और वापी स्टेशनों का निर्माण कार्य उन्नत चरण में है। इन स्टेशनों के डिजाइन में भारतीय संस्कृति और नगर की पहचान को दर्शाने का प्रयास किया गया है, साथ ही आधुनिक जीवन शैली और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सबसे तेज गति से कार्य अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भरूच और आनंद सहित वलसाड स्टेशन के मध्य देखा जा सकता है। स्टेशन निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि अब तक सभी स्टेशनों पर नींव का कार्य पूरा हो चुका है और छत, प्लेटफॉर्म और रेलवे लेवल के सांचे और ढांचे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आनंद स्टेशन को भारत की दूध राजधानी की पहचान के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जबकि अहमदाबाद स्टेशन की वास्तुकला नगर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। सूरत स्टेशन के डिजाइन में हीरे के उद्योग की झलक दिखती है। यह परियोजना भारतीय रेलवे में आधुनिकता का प्रतीक बन करके उभरेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत आनंद स्टेशन के साथ साथ अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेजी से चल रहा है, तथा यह परियोजना न केवल भारत के परिवहन क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगी अपितु उन नगरों की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी जहां ये स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन के डिजाइन और निर्माण कार्य की यह प्रगति भारत की इंजीनियरिंग और नगर विकास की क्षमता को दर्शाती है। यह स्टेशन भविष्य में आनंद और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रमुख कनेक्टिविटी हब बनने जा रहा है। बता दें कि सूरत के पास स्थापित फैक्ट्री शिनकांशन तकनीकी का उपयोग करके बैलास्ट रहित ट्रैक स्लैब बनाएगी, जो गुजरात और दमन दीव के 237 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बिछाई जाएगी। यह प्री कास्ट सुदृढ़ कंक्रीट स्लैब 2200 मिलीमीटर चौड़ी, 4900 मिलीमीटर लंबी और 190 मिलीमीटर मोटी होगी, जिनका वजन लगभग 3.9 टन होगा। यह ट्रैक स्लैब कंक्रीट और डामर के मिश्रण पर बिछाई जाएगी, जिन पर 60 किलोग्राम वजनी रेल ट्रैक को बांधा जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश के हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और ट्रैक स्लैब निर्माण कारखाना स्थापित करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।
यह बुलेट ट्रेन की पटरियों की स्थिरता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएगी। पिछले सप्ताह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्माण सुविधा का दौरा किया और बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले NHSRCL ने गुजरात में MAHSR कॉरिडोर के 116 किलोमीटर के लिए ट्रैक स्लैब निर्माण के लिए आनंद में एक और विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। दोनों कारखानों में 22,000 से अधिक स्लैब डाले जाएंगे जो 110 ट्रैक किलोमीटर के बराबर हैं। 29 नवंबर तक NHSRCL ने कुल 9,775 ट्रैक स्लैब डाले हैं और इन स्लैबों को ट्रैक कंस्ट्रक्शन बेस पर ले जाया गया है। हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए चल रहे ट्रैक निर्माण के भाग के रूप में इन स्लैब को वायाडक्ट पर बिछाया जाना है। इसके अतिरिक्त परियोजना की एक और बड़ी उपलब्धि की जानकारी देने हेतु हम आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन अर्थात मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बनने वाले BKC बुलेट ट्रेन स्टेशन का पहला बेस स्लैब कास्ट किया जा चुका है। यह कंक्रीट स्लैब भूमि से 32 मीटर की गहराई पर तैयार किया गया है जो 10 मंजिला इमारत के बराबर है। प्रोजेक्ट के एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन BKC का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर की तकनीकी से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खुदाई और कंक्रीट का कार्य भूमि के सबसे निचले स्तर से आरंभ किया गया है। इस बेस स्लैब का जानकारी देने हेतु बता दें कि इसकी गहराई 3.5 मीटर है और लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तथा इसके निर्माण में 681 मेट्रिक टन उच्च ग्रेड स्टील, 6200 रीबर कपलर, 2254 घन मीटर M60 ग्रेड कंक्रीट तथा 4283 मेट्रिक टन एग्रीगेट उपयोग किया गया है। यही नहीं, इसके लिए कंक्रीट की आपूर्ति 120 मीटर क्यूब क्षमता वाले 2 in-situ बैचिंग प्लांट से किया जा रहा है। ढलाई के समय तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बर्फ और चीलर संयंत्रों का उपयोग किया गया है जिससे कंक्रीट का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। ढलाई से पहले पर्याप्त वाटर प्रूफिंग उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं तथा पहला बेस स्लैब पूरा होना इस परियोजना के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है जो कि प्राप्त हो चुका है। BKC स्टेशन की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इसके प्लेटफॉर्म की गहराई 24 मीटर है। इसमें कुल 3 तल हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और सर्विस फ्लोर सम्मिलित हैं। इसमें कुल 6 प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी लंबाई 415 मीटर है। यह 16 कोच वाले बुलेट ट्रेन के लिए पर्याप्त है। इसका प्रवेश और निकास द्वार एक मेट्रो लाइन 2B के निकटवर्ती स्टेशन से जुड़ा होगा, दूसरा MTNL भवन की ओर से होगा। स्टेशन को मेट्रो और सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त स्थान और प्रकाश के लिए प्राकृतिक रोशनदान का प्रावधान किया गया है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।